अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको बताते चलें कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि यूएई और इसराइल के दरमियान जो मुआहदा हुआ है वो इब्राहिमी खित्ते और वस्ती एशिया में अमेरिका के जो तहफ़ुज़ात हैं उनके लिए और ईरान के ख़िलाफ़ जो है अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए ये मुआहदा किया था। दोस्तों उनका वज़ीर ख़ारजा ने एक निजी टी वी से इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस वक्त अबू ज़हबी और जो है इनको तल अबीब को तहरान से बहुत बड़ा ख़तरा है। तो दोस्तों उनका मतलब ये भी कहना था कि यूएई और इसराइल मुआहदे के ज़रिए जो ईरान को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए ये मुआहदा किया गया है और जो है ईरान जो अमेरिका को इस वक्त नुकसान पहुंचा रहा है तो उस नुकसान को रोकने के लिए ये मुआहदा किया गया है। और दोस्तों अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यूएई और इसराइल मुआहदे को तारीखी मुआहदा करार दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अरब ममालिक जो है इसराइल के यहूदियों को वतन आबाद होने का तस्वुर नहीं करते, उनको तस्लीम भी नहीं करते जो कि होना चाहिए। तो दोस्तों उनका मज़ीद ये भी कहना था कि इसराइल को ढाई दहाइयों से भी ज़्यादा अरसा लगा यूएई के साथ मुआहदा करने में, उसके बाद जो है यूएई ने भी इसराइल के साथ मुआहदा किया और उनको तस्लीम भी किया है। और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि आने वाले दिनों में जो है अरब ममालिक बाकी जो भी अरब ममालिक हैं वो भी यूएई की पैरवी करेंगे और इसराइल के साथ जो है मुआहदे करेंगे। वाज़ेह है दोस्तों का यूएई पहले कहता रहा है कि ये मुआहदा ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर दोस्तों अब जो है अमेरिका ने भी एतराज़ किया है कि दोनों ममालिक ने यूएई और इसराइल ने आपस में मुआहदा करने के कर जो मुआहदा किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ किया है। ईरान के ख़िलाफ़ जाने की वजह से उन्होंने दोनों ममालिक ने आपस में ताल्लुकात कायम किए हैं और अमन मुआहदा किया है।